हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम डेली वो कैप सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम रोजाना वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेज डिस्कस किया करेंगे, तो ये उस लेक्चर सीरीज का पार्ट वन है, यानी आज से हम डेली वो कैप सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप चाहे तो उनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला शब्द लिखा है एमिएबल। देखिए, इस शब्द की जो रूट है वो है एमी। एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता योग्य, ठीक है। तो एमिएबल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम मित्रता कर सकते हैं, मित्रता योग्य। इससे अगर दूसरा वर्ड मैं निकालना चाहूं तो वो निकलेगा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम मित्रता कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस एमी से वर्ड निकल सकते हैं एमिटी। एमिटी का मतलब होता है मित्रता। एक और वर्ड निकालते हैं इससे, एमोरस। एमोरस भी जिससे मित्रता की जा सके। और एक और वर्ड है इनेमोर, ई एन ए एम ओ आर, इनेमोर। इनेमोर भी एक ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं जिससे हम मित्रता कर सकते हैं, मित्रता योग्य व्यक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये एमी रूट याद रखनी है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता योग्य। और इससे पांच शब्द हमारे निकलते हैं, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, एमोरस और इनेमोर। अगले शब्द पे आते हैं, कॉन्ग्रीगेट। अब यहाँ पे जो रूट है उसका वो है ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है झुंड या फिर क्राउड, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेट होता है किसी चीज को झुंड झुंड में लाना, यानी किसी चीज को एकत्रित करना। तो कॉन्ग्रीगेट का मतलब एकत्रित करना। इससे अगर मैं दूसरा वर्ड निकालता हूं तो वो निकलता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस हम किन को बोलेंगे, जो झुंड में रहना पसंद करते हो। ज्यादातर जानवर झुंड में रहना पसंद करते हैं तो हम उनको ग्रीगेरियस एनिमल कह सकते हैं। इवन ह्यूमंस, यानी कि हम भी एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, तो हम भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, हम भी ग्रीगेरियस हैं, ठीक है। ग्रीगेरियस, जी आर ई जी ए आर आई ओ यू एस। एक और वर्ड यहां से निकल जाता है एग्रीगेट, ठीक है। आप जब अपनी यूनिवर्सिटी की परसेंटेज निकालते हैं फाइनल, तो उसमें आप सभी के सभी सेमेस्टर्स की परसेंटेज को एग्रीगेट करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, तब जाके आप अपनी फाइनल या फिर औसत परसेंटेज निकालते हैं। तो आप एग्रीगेट का मतलब फिर समझ गए होंगे वहां से। एक दूसरा शब्द आता है यहीं से, सेग्रीगेट। देखिए ग्रेग, लेकिन यहाँ पे जो एससी लगाया है, एससी इस वर्ड को नेगेटिव बना देता है। ग्रीगेट जो चीज पहले से ग्रेग है, यानी पहले से झुंड में है, उसको अलग कर देना, किसी चीज को सेपरेट कर देना, यानी किसी चीज को सेग्रीगेट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक शब्द और निकल के आता है यहां से, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, ईग्रेगियस। इस वर्ड का हम मतलब समझते हैं, इस ई का मतलब होता है हम ले ले एग्जिट, ठीक है। एग्जिट, किसी को ग्रेग यानी कि झुंड में से एग्जिट करा देना, बाहर निकाल देना। किसी को झुंड में से कब निकाला जा सकता है, अगर वो कोई सीरियस क्राइम कर दे, ठीक है। सीरियस क्राइम करने पे हम किसी व्यक्ति को झुंड से निकाल देना, बल्कि निकाल ही देना चाहिए, तभी झुंड की भलाई है। तो ईग्रेगियस किसी ऐसे अपराध को बोलते हैं जो काफी जघन्य हो, काफी सीरियस हो, तो ए सीरियस क्राइम यानी कि ईग्रेगियस क्राइम। अगले शब्द पे चलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए यहाँ पे दो रूट है, तो फिल एक एंथ्रो। पहले एंथ्रो को देखते हैं, एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड या मानव जाति। फिल का मतलब किसी चीज को लाइक करना, पसंद करना, तो जो मानव जाति को पसंद करता हो उसको हम फिलैंथ्रोप कह सकते हैं। इसके साथ साथ इसके लिए दूसरा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट भी एक ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं जो मानव जाति को पसंद करता हो, मानव जाति की भलाई चाहता हो। और अगर मैं बोलूं तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसमें हम मानव जाति के उत्थान के बारे में शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसका अगर मैं एंटोनियम कहूं तो वो होगा माइज़ेंथ्रोप। देखिए एंथ्रोप तो आ गया, माइज का मतलब होता है डिसलाइक करना, हेट करना, जैसे फिल का मतलब होता है लाइक करना। अगर माइस किसी वर्ड से पहले लगता है तो उसका मतलब होता है हेट करना। तो जो मानव जाति को हेट करता हो, मानव जाति को पसंद
ना करता हूं, माइजेंथ्रोप या माइजेंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगले शब्द पे आते हैं ओरियोल। इसकी रूट आती है ओरा से, ओरा होती है चमक, रेडिएंट। ठीक है, तो सबसे चमकदार चीज क्या है? अभी अगर हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, हमारा सूर्य। ठीक है, जब हमारा सूर्य निकलता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपने काफी ड्राइंग्स वगैरह भी की होंगी स्कूल वगैरह में, तो आप ऐसी सन की ड्राइंग बनाते होंगे। तो ये जो आप एक ड्राइंग देख रहे हैं ना, इसी चीज को ओरियोल बोलते हैं। जब सूर्य निकलता है तो एक वाइब्रेंट चमकीला सर्कल बन के आता है, तो इसको ओरियोल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं कहूं इससे जुड़ा हुआ वर्ड ओरा से, ओरिएट। ओरिएट होता है किसी चीज को सोने की परत से ढकना। ठीक है, किसी चीज पे अगर हम सोने की परत चढ़ा देते हैं तो हम उसको ओरिएट कर देते हैं। अब आपको इस चीज को अगर याद रखना है तो आप एक चीज और याद रख सकते हैं, AU। केमिस्ट्री के अंदर AU किस चीज का सिंबल होता है? गोल्ड का, सोने का। ठीक है, तो आप यहां से भी इस AU को याद रख सकते हैं, ओरिएट, किसी चीज के ऊपर सोने की परत चढ़ाना। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक वर्ड और आ जाता है यहां से, ओरोरा। ओरोरा होता है जब हमारे अपर एटमोस्फेयर में, हमारे जो ऊपर का वायुमंडल है, वहां पे कुछ चमकदार सी हलचल होती है पोल्स के ऊपर, जिसको हम ओरोरा बोलते हैं, सूर्य के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो उस चीज को ओरोरा बोलते हैं। जब इसका कह सकते हैं कि गोल्डन और येलोइश टाइप की एक चमकदार रोशनी हमारे अपर एटमोस्फेयर में, ऊपरी वायुमंडल में दिखाई देती है, उसको हम ओरोरा बोलते हैं। आर्किमेंड्राइट, आर्किमेंड्राइट, देखिए आर्की, आर्की का मतलब आता है गवर्नमेंट से या हेड से। ठीक है, किसी चीज का हेड। एक दूसरा आर्की होता है ARCHI, वाई और आई का फर्क है, इसको हम ओल्ड से लेते हैं। दोनों रूट हैं, एक आर्ची और एक आर्की। इसका मतलब होता है ओल्ड, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो यहां पे ये जो आया है, आई लगा हुआ है, लेकिन इसका जो तात्पर्य है वो इस वाले आर्की से है, यानी गवर्नमेंट वाले से। अब इसको मैं याद रखने की आपको एक ट्रिक टाइप बताता हूं। मेंड्राइट को आप ले लीजिए मंदिर, मेंड्राइट मंदिर। ठीक है, आर्की यानी कि गवर्नमेंट हेड। ठीक है, यानी कि एक जो मंदिर का हेड हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा, ठीक है, तो उसको हम आर्की मेंड्राइट बोलेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, किसी मठ का हेड, ठीक है, मठाधीश। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड अगर आप वर्ड देखना चाहें तो कई सारे वर्ड हैं आर्की से रिलेटेड, जैसे कि पैट्री आर्की, यानी कि एक ऐसी फैमिली जहां पे केवल फादर की चलती हो। पैट्री का मतलब होता है फादर से। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पैट्री साइड, पैट्री का मतलब फादर से और साइड का मतलब होता है हत्या। फादर की हत्या अगर कोई कर दे तो उसको हम पैट्रिसाइड बोलेंगे। ऐसे ही दूसरा मैं वर्ड निकाल सकता हूं, मैट्री आर्की। मैट्री का मतलब माता से, आर्की वही गवर्नमेंट। ऐसी फैमिली जहां पे रूल वहां आप माता करती हो, जो मदर है वो करती हो, तो उसको हम मैट्री आर्की बोल सकते हैं। और ऐसे ही एनआरकी, एनआरकी यानी कि एन का मतलब नील। ठीक है, आर्की मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एनार्की, यानी कि कैओस, अस्त व्यस्त बिल्कुल। ठीक है, चीख पुकार, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई शासन ही नहीं है, तो एनार्की। पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, एनार्की, ये फिर पैट्रिसाइड अगर माता की हत्या हो जाए तो मैट्रिसाइड। ऐसे साइड के कई सारे वर्ड है, सोरोरी साइड, बहन की हत्या, पैट्रिसाइड, भ्रात हत्या यानी कि भाई की हत्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो दूसरी रूट मैंने आपको बताई थी ARCHI, इसका मतलब होता है ओल्ड से, जैसे कि आर्काइक। आर्काइक यानी कि ओल्ड फैशन थिंग, जिनका जमाना जा चुका है। ठीक है, ओब्सोलीट भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, ओब्सोलीट। ओब्सोलीट जो चीज पुरानी हो चुकी अभी यूज में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि टेलीग्राम, टेलीग्राम बंद हो चुके हैं
अभी यूज में नहीं है तो ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आर्काइव हो चुके हैं। ऐसे ही इससे एक दूसरा आता है आर्काइव। वैसे तो एसएससी इस वर्ड के लिए क्या आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देती है आर्काइव के लिए, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, जहां पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेकिन कौन से रिकॉर्ड, जो पुराने हो चुके हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी ना दे तो केवल इतना भी दे सकते हैं कि प्लेस वेयर ओल्ड रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, तो आपका आप उसका आंसर लगाएंगे आर्काइव, ए आर सी एच आई वी। तो इसका संबंध होता है ओल्ड से, पुराने से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आई होप कि ये सभी जो मैंने पीछे वर्ड आपको बताए रूट लेकर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और ये देखिए कि एक वर्ड से हम कितने सारे वर्ड समझ सकते हैं, एक रूट याद करके हम उससे रिलेटेड 5 वर्ड याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला वन वर्ड हमें दिया गया है वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, या तो उसको खुशी दो चाहे दुख दे दो, उसके एक्सप्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो फिर भी जैसा पहले था ऐसा ही है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे स्टोइक। ठीक है, अपने आप में ही मगन रहने वाला, संसार में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हर एक धर्म को इक्वल सम्मान दिया जाए, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेक्युलर गवर्नमेंट। ठीक है, ए पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलतियां निकालता रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम सिनिक। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, एक लंबी यात्रा स्पेशली बाय सी, यानी कि समुद्री रास्ते से, तो उसको हम बोलते हैं वोयाज। ठीक है स्टूडेंट्स, ए पर्सन हु किल्स समवन फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण से अगर किसी की हत्या कर दी जाए और उस हत्या करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, असैसी, असैसिन, ए डबल एस ए डबल एस आई एन। इस स्पेलिंग को याद रखना क्योंकि ये कभी कभी मिस स्पेलिंग में भी पूछ ली जाती है, ए डबल एस ए डबल एस आई एन, असैसिन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, असैसिनेशन, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, असैसिनेशन, यानी कि किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या। मान लीजिए कोई किसी देश के प्रमुख, यानी किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर देता है, या किसी चीफ मिनिस्टर की, या फिर किसी बड़ी पोस्ट के मंत्री की हत्या कर देता है, उस प्रोसेस को हम असैसिनेशन बोलेंगे, सिंपल किलिंग नहीं कहते उसको। ठीक है, वैसे एक प्रकार की किलिंग ही है ये, लेकिन इसके लिए स्पेशल वर्ड रखा गया है असैसिनेशन, और जो ये हत्या करेगा उसको हम असैसिन बोलते हैं। ए पर्सन हु एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ, एक ऐसा आदमी जो जो जीवन की सच्चाई है उससे भागता हो, ठीक है, डर कर भागता हूं, छुपना चाहता हूं जीवन की सच्चाइयों से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप से इसका तात्पर्य बनता है एस्केपिस्ट। ठीक है, ए पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा आदमी जिसको मनाना बहुत आसान हो, या फिर मनाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या शब्द का यूज कर सकते हैं, फास्टिडियस। एक इससे जुड़ा हुआ एक शब्द और है स्टबर्न, स्टबर्न एक ढीठ आदमी, थोड़ा इसका सिनोनियम ही होता है फास्टिडियस का, क्योंकि फास्टिडियस जिसको मनाना काफी मुश्किल हो, तो ढीठ व्यक्ति को भी मनाना काफी मुश्किल ही है, नहीं मानता वो बात, तो ये एक दूसरे के सिनोनियम भी है। ए पर्सन हु कैन बी चीटेड इजिली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, जो आसानी से धोखा खा ले, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द का यूज होता है, क्रेडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आता है हमारे पास ए स्वीट म्यूजिक, स्वीट म्यूजिक को क्या बोलते हैं, मेलोडी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे हम, यूटोपिया। ठीक है, वैसे ऐसी जगह मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक शब्द बना दिया हमने ऐसी जगह के लिए जिसको हम बोलते हैं यूटोपिया, जहां पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई क्राइम ना हो, ठीक है, सब खुशहाल हो, कोई गरीब नहीं, सबको खाना टाइम पे मिल रहा है। अब देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहली इडियम है हमारे पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब एक बात देखिए, अगर आसमान नीला है, ब्लू है, यानी आसमान साफ है, अगर उस समय बिजली गिर जाए तो क्या होगा, एक ऐसा इवेंट होगा जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि जिसकी पहले कल्पना न की गई हो,
एक ऐसा इवेंट हो जाना तो उसको हम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलेंगे। ब्लाइंड एली, एली का मतलब गलियारा, ब्लाइंड यानी कि हमें नहीं पता कि यह गलियारा कहां पे खत्म हो होता है, ठीक है, ब्लाइंड एली। तो यानी एक ऐसी सिचुएशन जो कहीं ना जाती हो, ए सिचुएशन विच लीड्स टू नोवेयर, ठीक है। बॉडी एंड सोल, बॉडी और सोल ही हमारे पास होती है, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, तो कंप्लीटली यानी कि एंटायरली पूर्ण रूप से। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप एक ऐसे व्यक्ति को कहेंगे, ए पर्सन हु ब्रिंग डिसग्रेस टू हिज ग्रुप या फैमिली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्रुप या फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण हो, तो हम ब्लैक शीप बोलते हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक दूसरी इडियम भी है, ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स इससे बिल्कुल उल्टा है। ब्लैक हॉर्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको आदमी ने अंडर एस्टिमेट करते हो, उसको सोचते हो कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिर में विनर वो ही निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्लैक हॉर्स बोलते हैं। लेकिन ब्लैक शीप एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ग्रेस लाता हो, ठीक है, शर्मिंदगी का कारण हो अपने ग्रुप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगली इडियम, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। अब देखिए, फीदर यानी कि पंख। अगर दो पक्षी है, दोनों के पंख एक जैसे हैं, यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम स्वभाव के हैं, तो यानी पीपल विद सेम हैबिट्स, ठीक है। हैबिट में कई लोग डबल बी का यूज कर देते हैं, मिस स्पेलिंग में पूछ ली भी जाती है, तो हैबिट में सिंगल बी का यूज होता है। बाइट द डस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं धूल चाटना। धूल चाटना यानी कि पूरी तरह हारना, ठीक है, टू बी डिफीटेड। बैडली भी आप बाद में लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हो तो, टू बी डिफीटेड। अब देखिए ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड बोलते हैं शाही खून, ठीक है, शाही ब्लड। कोई व्यक्ति जो शाही परिवार से बिलोंग करता हो, राजघराने से बिलोंग करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम ब्लू ब्लड कहते हैं। बिग गन, बिग गन का मतलब एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज यानी कि जो व्यक्ति जो कभी कभी आता हो, कभी कभी, जिसको ईद का चांद भी हम कभी कभी कह देते हैं। वन हु विजिट्स ओकेजनली, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड की आंखों का व्यू क्या होगा, देखिए बर्ड ऊपर उड़ता है और वो पूरी जमीन को एक तरीके से, जरूर थोड़ी है कि वो किसी एक चीज पे फोकस करके देखता है, वैसे ईगल तो फोकस करके देखता है क्योंकि उसको नीचे से खाना उठाना होता है जमीन पे से, लेकिन एक बर्ड आई व्यू हम क्या देते हैं, जनरल व्यू, किसी के ऊपर सरसरी निगाहें फेर लेना, ठीक है, सरसरी निगाहों से किसी चीज को देख लेना, एक जनरल व्यू ले लेना किसी चीज का, सामान्य अध्ययन कह सकते हैं, तो उसको हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे आज के सारे सिनोनियम्स। आप सिनोनियम ले लीजिए, एंटोनियम ले लीजिए, क्योंकि हम वर्ड पूरा का पूरा पढ़ते हैं, आप उसका अर्थ अगर निकाल पाते हैं तो आप चाहे सिनोनियम उसका पूछ ले, एंटोनियम पूछ ले, चाहे उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डाल के पूछ ले, ठीक है, तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं। इडियम्स पढ़ी हमने आज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, पांच रूट डिस्कस करी, और उन पांच रूट से रिलेटेड कम से कम हमने 25 वर्ड डिस्कस करे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि आज का सेशन हमारा काफी फ्रूटफुल रहा होगा, और ऐसे ही हम रोजाना ऐसे सेशन कंटिन्यू करेंगे और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एफर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।